जिस टेडी बियर को महेंद्र शुक्ला के भाई और भौजाई एक देवता के तरह पूजा कर रहे हैं, लेकिन जब उस टेडी बियर का पूरा सच खुलेगा तो उन लोगों को छाती पिटकर रोने के अलावा दूसरा कोई और रास्ता ही नहीं दिखेगा। जहां एक तरफ महेंद्र शुक्ला के भाई और भौजाई जिस टेडी बियर में वो सारे पैसे चुरा कर रखे थे, उसी टेडी बियर के आगे बैठ कर कुछ अगरबत्ती और प्रसाद के साथ फूल चढ़ाकर खूब हंसी खुशी से पूजा कर रहे हैं। लेकिन ये खुशी भैया भाभी के ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला है, क्योंकि जैसे ही उस टेडी बियर में आग पकड़ता है तभी भाभी को वहाँ पर कुछ जलने जैसी बदबू आने लगती है। हालांकि ये बात भाभी ने वहाँ पर अपने पति से कहती है, तो वो नजरअंदाज करते हुए कहते हैं, अरे हमारे इस खजाने पर धरती पर तो किसी को पता ही नहीं और स्वर्ग वाले ही जल रहे होंगे। मगर यहाँ पर भाभी उनको बार बार उस जलन के बारे में बताना चाहती है, लेकिन भैया ने भाभी के बातों को हर बार टाल देते हैं। वही जब जलने के साथ साथ वहाँ भाभी को गर्म जैसे कुछ महसूस होने लगता है, तभी भाभी भैया से कहकर वो अपना जब आँख खोलती है तभी उस टेडी बियर में आग पकड़ा हुआ रहता है। लेकिन ये सब देखकर अब भैया भाभी पूरी तरह से चौंक जाते हैं और वो लोग वहाँ पर खूब जोर जोर से रोने लगते हैं। हालांकि अब मौके पर महेंद्र शुक्ला के संग दादी और आरुणी भी आ पहुँचती हैं। वही अब महेंद्र शुक्ला ने उस टेडी बियर को वहाँ से उठाकर बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं कि शांत हो जाइए, हम उसे उठाकर बाहर फेंक दिए। लेकिन यहाँ भैया भाभी को उस पैसे के अलावा दूसरा कोई और ही नहीं दिखता है और वो दोनों अभी भी रोते जाते हैं। लेकिन आगे के अपडेट तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए।